हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन तैयारी में। मैं हूं आपकी स्टेट एग्जाम एक्सपर्ट अपूर्वा सिंह और हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के विषय में। इससे पहले के वीडियोस में यूपी जीके में हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के समवर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो एक बार वो वीडियोस भी देख लें, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है ये इम्पोर्टेंट होगी यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई और जितनी यूपी टेट जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियों की। कौन कौन सी प्रमुख नदियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उद्गम स्थल है उनका, कौन कौन से प्रमुख क्षेत्रों से होके गुजरती हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे यमुना, रामगंगा, गंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, ये सारी की सारी यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और इसके बाद में कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, इस प्रमुख नदियों की सहायक नदियां हैं। मेन नदी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में वो एक ही है, गंगा, और फिर उसके बाद में आती है यमुना। बाकी नदियां इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों नदियों को आपको खास करके ध्यान रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं कि क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यानी दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी, बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी, क्या मिलन स्थल है किसी नदी का, किस क्षेत्र में वो उत्तर प्रदेश की सीमा में आती है, एंटर करती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, या फिर इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जब भी हम यूपी की या किसी भी जगह की रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ाई करें। तो नदियों के उद्गम स्थल के को देखते हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनका ओरिजिनेशन कहाँ से है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन नदियों को हम तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। सबसे पहली होगी हिमालय से आने वाली नदियां, यानी कि हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली नदियां। दूसरी हो गई प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां, और तीसरी हो गई कि जो गंगा के मैदानी भाग से आती हैं ये नदियां, यानी जो तराई क्षेत्र हो गया, मैदानी भाग हो गया, कोई दलदल या फिर झील, इन जगहों से अगर कोई नदी आ रही है गंगा के मैदानी भाग से, तो वो तीसरी कैटेगरी में आ जाएगी। हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो प्रमुख नाम है वो है गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक। ये नदियां जो है ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है। दूसरी प्रकार की नदियां है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ओरिजिनेट होने वाली नदियां, इसमें आती है चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, कन्हार। और गंगा के मैदानी भाग से जो नदियां निकलती हैं वो है, उनमें से प्रमुख नदियां हैं गोमती, वरुणा और रिहंद। अब यहाँ पर कुछ जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख नदियां हैं उनके नाम, और उसके साथ साथ उनका जो उद्गम स्थल है उसमें भी स्टेट का नाम दे रखा है कि किस कौन सी नदी कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है, उद्गम होता है किस नदी का किस स्थल से। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड से जिसका उद्गम होता है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा स्थान है जहां से गंगा नदी का उद्गम स्थल है, और यमुना नदी, इन दोनों के उद्गम स्थल का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। यमुना और गंगा, ये दोनों उत्तराखंड में उद्गम होता है, इनका किस स्थान से होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारी घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश से। गोमती नदी, उत्तर प्रदेश से। सोन नदी, मध्य प्रदेश। रामगंगा, उत्तराखंड। राप्ती, नेपाल। बेतवा, मध्य प्रदेश। केन, मध्य प्रदेश। शारदा नदी, उत्तराखंड। और टोंस नदी, मध्य प्रदेश। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है हमारी प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की, और वो कहाँ कहाँ से उनका उद्गम होता है ये। अब एक एक करके इन सभी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी गंगा नदी। तो गंगा नदी में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है पॉइंट, कि कानपुर जो है, कानपुर और वाराणसी, ये दोनों ही बहुत फेमस है क्योंकि गंगा किनारे बसे हुए हैं। अब इसमें से कानपुर जो है वो गंगा के दाएं किनारे पर बसा हुआ है, और जबकि वाराणसी जो है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो सहायक नदियों की हम बात करें तो उत्तर की ओर से आने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें सम्मिलित है यमुना, रामगंगा, करनाली यानी जिसको हम कहते हैं घाघरा, ताप्ती, गंडक, गंधक और कोसी और काक्षी। ये नदियां जो है ये प्रमुख रूप से उत्तर की ओर से आती हैं गंगा की सहायक नदियों में। अब दक्षिण के पठार से आने वाली नदियों में नाम जो सम्मिलित हैं वो है चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस आदि। इन सभी के आप नाम याद कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बोला कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है तो हमको नाम पता होने चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो हम सभी को एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो पता ही होगा कि गंगा, यमुना और विलुप्त प्राय सरस्वती नदी का जो संगम स्थल है वो किस स्थान पर स्थित है, कौन सा किस जगह को हम संगम बोलते हैं, तो वो इलाहाबाद है, बहुत ही फेमस जगह है। और हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है कि उत्तर प्रदेश का वो जगह जहां पे ये नदी आती है तो वो हो गया बिजनौर, और मैदानी क्षेत्र में किस जगह पे प्रवेश करती है तो वो हो गया हरिद्वार। इन दोनों नामों में कंफ्यूज मत करिएगा। मैदानी क्षेत्र में जो नदी जहां पे आती है गंगा उसको, वो जगह है हरिद्वार, और बिजनौर जनपद में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा, उससे ये कन्नौज के निकट मिलती है, कन्नौज के पास में ही गंगा और रामगंगा मिलती है। अगली हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें सम्मिलित हैं चंबल, बेतवा, शारदा और केन। ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब ये नदियां एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्थान पर ये नदी यमुना से मिलती है या गंगा से मिलती है। तो भाई चंबल के इटावा, चंबल जो नदी है वो इटावा के पास, और बेतवा जो है वो हमीरपुर के पास यमुना से मिलती है। तो कौन कौन सी हमको जगहों के नाम याद रखने हैं, इटावा और हमीरपुर। हमीरपुर में बेतवा मिलती है और इटावा में चंबल मिलती है यमुना से। इलाहाबाद में यमुना नदी जो है वो बाएं ओर से गंगा से मिलती है, ये भी हमको पॉइंट याद रखना है। और हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी है, ये नदी सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से निकलती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक आधा बार पूछा गया है इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। हिंडन नदी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, ये सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से निकलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रामगंगा की। रामगंगा मुख्य हिमालय के दक्षिणी भाग नैनीताल के निकट से निकलकर बिजनौर से बहती हुई कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। अभी हमने पहले ही बताया था कि वो गंगा रामगंगा का जो मिलन बिंदु है वो है कन्नौज के पास की जगह। तो ये पूरा जो इसका ट्रैक है वो हिमालय के दक्षिणी भाग नैनीताल के निकट से निकल करके बिजनौर से बहती हुई फिर कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो कुमाऊं हिमालय श्रेणी का है, और रामगंगा नदी कालागढ़ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ पे हमने बताया था ना कि बिजनौर से बहती है, तो उसी क्रम में ये कालागढ़ के से ही यानी बिजनौर की एक जगह से ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब हम लोग बात करते हैं शारदा नदी के बारे में। तो शारदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कुमाऊं हिमालय से है, और प्रारंभ में इसे काली गंगा या फिर गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट डाउन करना है वो ये कि शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो नदी है ये ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे हमने कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे जो अन्य नदियां हैं उनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, इसको याद रख लीजिएगा। सरयू नदी के किनारे एक फेमस जो जगह लोकेटेड है, सिचुएटेड है, वो है अयोध्या। नेक्स्ट इज घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम है वो माप चाचुंगो हिमनद, ये तिब्बत में होता है। देखिए प्रीवियस हमने स्लाइड्स में एक्सप्लेन बताया था कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस स्टेट से, किस कंट्री से। तो घाघरा नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है करनाली, शिक, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंधक।
राप्ती नदी का उद्गम स्थल रोकुमकोट नेपाल है और इसकी प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। यहाँ पे से वही पॉइंट्स में डिस्कस कर रही हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में वन लाइनर्स में या किसी भी तरीके से उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब राप्ती और घाघरा नदी जो है वो देवरिया में बहरज नामक एक स्थान पर इनका संगम होता है, यानी कि इन दोनों की जो मिलन बिंदु है वो देवरिया के एक बरहज नामक का स्थान है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम पहाड़ी में मध्य प्रदेश से होता है और इसके प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें काली सिंध, पार्वती और बनास है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। ये एग्जाम के लिए मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताती हूँ, मार्क करती हूँ कि चंबल नदी किन राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों की सीमा को ये निर्धारित करती है। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कुमारगांव रायसेन उत्तर प्रदेश से है और ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर के बहती है, तो ये हो गए झांसी, औरैया, जलौन और हमीरपुर। ये जगह है जहां से बेतवा नदी बहती है और हमको इसका उद्गम स्थल याद रखना है कुमारगांव रायसेन उत्तर प्रदेश, यहाँ से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट इज केन नदी। केन नदी का जो उद्गम है वो कैमूर पहाड़ियों से होता है और इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कर्णवती तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपको नाम याद रख लेना है कर्णवती इज इक्वल्स टू केन नदी। अब केन नदी और यमुना नदी का जो संगम है वो भोजहा के निकट होता है। भोजहा एक जगह है जिसके निकट होता है। सोन नदी का उद्गम शेषकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से है और सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां रिहंद एवं कुनहद है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से प्रवाहित होती है। सोन नदी देखिए है तो, अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं जो एग्जाम में इसका पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में ही गंगा से मिलती है, तो उसमें एग्जामिनर अक्सर क्या करता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा, सोन नदी डाल देगा, गंडक डाल देगा, घाघरा डाल देगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये नदियां जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है गंगा से, ये उत्तर प्रदेश के बाहर इनका मिलन बिंदु है। तो तीन ही नदियों के आपको नाम याद रखने हैं, सोन, घाघरा और गंडक। ये नदियां जो है ये उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती है तो ये गंगा की सहायक नदियां ही, परंतु ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। सोन नदी जो है मिर्जापुर सोनभद्र से होते हुए ये बिहार की तरफ चली जाती है। अब बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ वो गोमती नगर के किनारे पर स्थित है। और गोमती नगर जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीन जगहों से उद्गम के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो जो नदियां गंगा के मैदानी भाग से आती हैं, तराई क्षेत्रों से आती हैं, उन नदियों का जो थर्ड टाइप है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की पुलहर झील से होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई ये राजधानी लखनऊ इसके किनारे पर स्थित है। अब नेक्स्ट इज टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम तारमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है बेला नदी। अब यहीं तक ये जो हमने यहाँ पे नदियों के बारे में पढ़ा तो ये था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नदियों से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।